तो आओ संगत जी, अगला जो सवाल है वह है भी कई बार कई गल्लां गुरबाणी तो चलो गुरु ग्रंथ साहिब है, असी पढ़ते हैं समझते हैं, परंतु कई बार इतिहास न संबंधित या कोई होर गल्लां बाणी तो अलावा कोई कविता टाइप या कोई होर ऐसिया फ्रेजेस जिहड़ियां ने प्रचलित हो जाती, उन्हां चों एक ऐसी प्रचलित जिहड़ियां तुकां ने वो है किसी की कंपोजिशन है, पता नहीं कहदी है, दौलत गुजरान है, इसी ईमान है, पुत्र निशान है। भी ये सवाल करता पुछते हैं भी क्या गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने यह जड़िया जड़े लफ्ज़ ने ये शाह दौला कहे जाते हैं किते सिंह, तो ये शब्द आया गुरु किसने उचारिया, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब जी से शायद ना ही होंगे, किसने उचारिया ने किसी कवि की उचारण है और ये अर्थ की ने। ये मैं बेनती कर लगा वीर केकर सिंह जी को कृपा करके सानू ये बारे जानकारी देन। अनम्यूट कर लो वीर जी और जानी जानकारी दी। हाँ जी वीर जी, वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। हाँ वीर जी, जो यदि बैकग्राउंड है गुजरात जो एरिया सी मतलब अणवंडे पंजाब तो पहला उहदे विच एक कोई शाह दौला नां दा जिहड़ा फकीर सी वह बड़ा प्रसिद्ध सी, लोगों के काफ़ी वह हरमन प्यारा सी, उन्हें फकीर होने के बावजूद भी काफ़ी लोग भलाई के जड़े काम किए सन। मैं समझता भी वह कमां की तो डिटेल देने की लोड़ नहीं, इस करके लोग उहदा बड़ा ना सत्कार करते सन। जदों गुरु साहब अपने प्रचारक दौरिया से उधर गए तो गुरु साहब की भी उन्हां नाल मुलाकात होंदी आ, तो गुरु साहब भी मतलब उसकी तारीफ करदे आ, उसनू फकीर मौला आके नवाजा करते सन। शाह दौला का एक चेला सी जहांगीर, वह गुरु साहब के नाल फौजा हथियार सिख सेवक तो शाही ठाठ बाठ नू वेख के बहुत हैरान होया, क्योंकि वह आप एक फकीर दे भेस विच रहिंदे सन, तो उन्हूं ये बड़ा अजीब जिहा लग्या भी एक धार्मिक आगू हो के इदां शाही ठाठ बाठ दे विच रहिंदे आ, अते गुरु साहब का विआह होना संतान वाला होना उस लई होर भी हैरानी का कारण सी। उहदे विचारां अनुसार जिहा व्यक्ति भाव छेवें गुरु वर्गा व्यक्ति कोई रूहानी आगू नहीं हो सकता, इसलिए उहदे कोलों यह बर्दाश्त ना होया, चुप ना रहा गया, अते वह गुरु साहब नूं आखन लगा जिहड़े उहने गल्लां कहियां बोल कहे वह इस तरह सन, हिंदू क्या ते पीर क्या, औरत क्या ते फकीर क्या, दौलत क्या ते त्याग क्या, लड़के क्या ते बैराग क्या, आरफ क्या ते दुनियादार क्या, मजहब क्या ते सच क्या, पुजारी क्या ते सवाब क्या, मारूथल क्या ते आब क्या। ये हुण रचना किहदी है इहदे बारे मैं जिहड़े थोड़े जिहा अपना रिकॉर्ड देखिया अपने सिख परवाड़ी मैगजीन वगैरह उन्हां विच्चों मैनूं इहदे बारे कोई जानकारी नहीं मिली भी ये किहदी रचना है, ये वाकई उस फकीर दे बोल है जां होर किसी ने रचना की है, लेकिन जो रिकॉर्ड ते है उहदे मुताबक मैं अपनी सारी गल बयान कर रहा। सतगुरु जी मुस्कुरा पए, जो भी उन्हें स्टेटमेंट दिती, जो भी उन्हें सवाल जवाब किए गुरु साहब नाल, ये सुन के गुरु साहब मुस्कुराउण लग पे ते समझ गए कि जहांगीर नूं अपने फकीर होण दा बहुत माण है, हंकार है, उहदे शंकियां नूं निवृत्त करन लई गुरु साहब जो कहा जाता है कि गुरु साहब ने उन्हां नूं ये जवाब दिता जो उन्हें सवाल खड़े किए गुरु साहब ते, उन्हां दा जवाब गुरु साहब ने इस तरह दिता, मीरी रब दा दान, जो औरत है वह ईमान है, दौलत गुजरान है, पुत्र निशान है, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान, आरफ विचार, मजहब सुधार, पुजारी आचार, मारू थल में जल, कुदरत करतार। ते अगे जो इहदा आपां जे संखेप दे विच देखिए तां सतगुरु जी ये कुछ कहण तो भाव सी कि जो मीरी है ये शाही ठाठ बाठ
ये धार्मिक अगवाई प्रभु दीयां दातां हन, ये मैं कोई आप नहीं धारण कीतियां जान बुझ के, जां आपां जिवें नोइंगली कह दिंदे हां, ये तां मेरे मालक परमात्मा दीयां दातां हन। पत्नी है जो ओ औरत संजम दा रूप है, ईमान दी राखी है, दौलत गुजारे वास्ते है, संतान मेल जोल किदां रखना है, मेल जोल दा चंगा तरीका सिखाउंदी है, विचारवान होने लई आरफ विद्वान होना पैंदा है, विद्वान बनना पैंदा है, अते कुरीतियां नूं खत्म करन लई, अते कुरीतियां नूं खत्म करन लई है, पुजारी नूं उच्चे आचरण वाला होना चाहीदा है, अते मारूथल विच जलदा होना भाव संसार विच अध्यात्मकता दा होना ये प्रभु दी खेड है। सो ये जवाब सुन के जिहड़ा शाह दौला दा चेला सीगा जहांगीर, वह गुरु साहब तो बहुत प्रभावित होया, अते ये बचन सुन के वह जो जहांगीर सी वह गुरु जी का मरीज बन गया। सो ये जो भी जिनी क मैं जानकारी मिली है मैं आप जी के नाल सांझी कर सकें। अगर कोई भुल चुक हुई होवे तां दास खिमा दा जाचक है जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद वीर किकर सिंह जी, आप जी ने बड़े अच्छे तरीके दे नाल ये जिहड़े सानू समझाया और बैकग्राउंड भी दसी है। तो संगत जी मैं बेनती करते हैं कि जिस वेले भी कोई नवी चीज़ होंगी है तो पुरानियां जिहड़ियां मनौता चल रही होंदियां ने, जो रीति रिवाज चल रहे होंगे ने, उन्हां नू कई बार सट लगती है तो वह रिएक्शन होंगे। गुरु नानक का मत जिहड़ा है ये गृहस्थ प्रधान है, तो जरूरी गल सी जिहड़े त्यागी सन जिन्हां दा बड़ा बोलबाला सी, उन्हां नू सट लगी उन्हां दी विचारधारा नू, तो उन्होंने यहो जी गल् कही। पर ठीक है, गुरु साहब की गल सुन के भावें अज का जोड़े रेफरेंस आया वो गुरु साहब का मरीज बन गया, परंतु बड़ी बारी यहाँ गुरु नानक साहब दलाइया जी विचारधारा ने जड़िया निर्मल पंथ दियाँ बड़ा रिएक्शन भी होया और गुरु घर की विरोधता भी हुई, अपन इतिहास चो बड़िया ऐसा गल् मिलती हैं। परंतु गुरु नानक का जो मत है वह है कि जिवें पंजवें पातशाह कह के नानक सतगुरु भेटिया पूरी होवे जुगत, हसंदियां खिलंदियां पैनंदियां खवंदियां विच ही होवे वो। तो यह है गुरु नानक का मत, त्यागियों का मत नहीं है। गुरु नानक का मत जिहड़ा कृतियों का मत है, गृहस्थियों का मत है, त्यागियों का मत नहीं। तो सानू अपने इस मत ते भी माण होना चाहिए कि असी दुनिया के कार विहार करते, क्योंकि जिहड़ा मनुख किरत नहीं करता जिहड़ा वेहलड़ है वह तो आप अपना पेट पालने दूजे से डिपेंडेंट है, समाज से भार है। बल्कि गुरु नानक के मत भी तो किरत करने के नाल वंड छकन की गल भी की है, जिथे नाम जपण की किरत करन की की है उत्थे वंड छकन की बड़ी अहमियत है, तां जे समाज में बराबरी आवे और असी केवल अपना पेट भर के जीवन गुजार लीए, असी संसार विच रहिंदे आ समाज का भला कर सकी जिन्ना सतगुरु साढ़े तो करवा। तो इस करके ये एक नवेकला मत है और ये जिहड़े लोग इक्वैलिटी की गल करते हैं और होर कई यह गल करते हैं, तो गुरु नानक साहब के मत में सारिया गल् जो वधिया ने और जिहड़ियां चीज़ा पिछां खिचू ने गुरु नानक साहब जी ने उन्होंने छानना ला के कढ़ दिता सी। तो आओ सतसंगीओ, लोड़ तो है कि असी इस गुरु नानक साहब जी की गुरु नानक मत की जिहड़ी सिख है उन्हों वो तो वी समझ का यतन करिए, जो सा भी भला होएगा, समाज का भी भला होएगा। एक बार फिर किकर सिंह जी का धन्यवाद।